में आए ही, ये जरूरी भी है कि हम सिर्फ आए और निकाह की तकरीब में शामिल हो जाए। हमें खुद नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं उस वजह से भी कुछ बातें हमारे सामने बार बार आनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह तआला आपके सामने उस्ताद अज़ादिदा उस्ताद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़म निकाह बरकतन
नहीं पैसे नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। पर अब ये शादी में जो होता है जो समुद्र का मुझे बहुत दबन गुजारिश कर रहा हूँ हाथ में भी गुजारिश कर रहा हूँ अल्लाह के वास्ते महर की रकम तो मर दे नहीं देना है बगैर महर के निकाह नहीं होता और उनका सबसे पहला होता है वो महर उसकी वजह है महर जो कर जोड़े की रकम वाइट मेरी कम वक्त है जो देने वाले हमको बड़े बच्चे को नहीं बच्चा नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह जहेज भी नहीं देगा जहेज भी नहीं देंगे जहेज भी नहीं तो आप ही है नहीं साहब आप ही है भूलिए साहब जब उनकी सास का इंतजार हुआ तो एक मिनट था हाथों हाथों ना समझदार तुम आएंगे
सलाम करेंगे तो वाले को सलाम नहीं कहूंगा, लोग तुमको जिंदगी भर बना देंगे। सगड़ा बाप मर गया, दुनिया सांस में नहीं तो आया, मैंने दामाद को आने से रोक दिया। और एकदम सीधा सारा आदमी और ठोक बजा के साफ साफ सब लोगों को भी एक रुपया की जरूरत नहीं, इमाम पेड़ लोग एक पैसे देते समझी गए। इस मस्जिद में छाड़ने वाले को तनख्वाह नहीं, नमाज पढ़ाने तनख्वाह नहीं, बयान करने वाले को तनख्वाह नहीं, बीमारी नहीं पढ़ाने वाले को तनख्वाह नहीं, तरावी में तीन तीन कुरान पाक सुनाने वाले हुक्मान किराम को वो ये पुल का हाल भी नहीं डाल सकता। और जिंदगी किस हिस्से में मस्जिद में छंदे के ढब्बे नहीं खेलते, कभी रस्सी कूद नहीं सकती, कोई माई वाला ने रुपया इस मस्जिद को नहीं लगा सकता। इसी को इरादा नहीं है लगाने की। 2001 में मस्जिद बनाए हैं, हराम में आज तक एक रुपया हमने चंदा नहीं किया। लगा इतनी रुमाना वही थी, जैसी तेरी नियत होगी हमारी नियत अल्लाह देने वाले उसके राह में लगाना, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा करते हैं। हम कौन है, हमारी हैसियत क्या है, हमें कौन करने वाले साथ अल्लाह के साथ है। हर महीने में यारो पैसे वाले तुम लोग कितने बड़े बड़े भेजवा दे हमें ले रहे। अल्लाह की कसम तुम एक अद्भुत समाज से कोई मस्जिद का खर्च पास समाज है तो 5 रुपये 10 रुपये 5 हजार दे दिए बहुत बड़ा तीन मार दो समझ दे 5-10 दिए तो दबा बाबा आए का सीना कर जाता मुझे मुझे दे दिया बस लाल दिया बोले दिया बस लाल बस लाल दिया अरे सब तेरे जमीन चला दी वो जब से चला ही कहते कि तब तेरे चला दी और बहुत कड़ा बहुत कड़ा होता नहीं होता। तेरा घर कितने सीमेंट के जाता में बना, तेरी कार कितने की, तेरे बेटे की बाइक कितने की, अल्लाह के घर को क्या दिया। नहीं लेना नहीं लेना, चंदे उन लोग की जरूरत नहीं, चंदों की जरूरत नहीं। वो एक मेरा प्यारा प्यारा भाई को खुदा तरस है मस्जिद को चला सकता है, वो बना नहीं मिसाज। अरे यारो जो फरेज लिए अपना जो छोड़ के गए हमारी शौक का हमारी स्पॉट लेंगे जो तुम्हारे हाथों तुमने आगे भेज दिया ये तकीरा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास बहुत अच्छे दारों तुम्हें बना के मिलेगा। तो भाई मैं तो क्या गुजारी साहब के अपनी बात कम करता हूँ। सबसे पहले तो ये जिंदगी के हिस्से में जितने हिस्सों पर नहीं होती तो शादी होती जोड़े की रकम नहीं लिया सबको बोल दे जोड़े की रकम मेरी हराम है हराम है हराम जोड़े की रकम नहीं है मांगे आगे वाले भी 50-50 हजार रुपये जोड़े की रकम दे रहा Like if for some absolute muscle, boy.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा करो, पाए पत्नी के बच्चे से ही हो,
ہے جمعہ کا خطبہ ہے وہ فرض ہے, خطبہ کے وقت اور جمعے کی نماز نہیں ہوتی چھ دن ہے, اور یہ خطبہ مسنون ہے, خدا نے خاصا خطبہ نہیں پڑے, خالد صاحب نے ملے کچھ نہیں ہوا, جب قبول ہو گیا تو گواہوں کے سامنے بھی وکیل یا ولی نکاح کرا دیا, نکاح ہو گیا تو خطبہ نکاح نہیں پڑے تو ہوتا تھا, چار بوڑھے بیٹھے ہوئے چاروں کے الزام کو قبول ہونا ایک ہی خطبہ نکاح سب کے لیے کافی ہے. خطیب صاحب نہیں آئے جمعے میں آپ بیٹھ جاؤ صاحبہ دیر کر دیے, دو تین کا بنانا لگ رہا ہے, صبح وائٹ پیپر منگا دیں,
बीबी के पुत्र का हो गया, सब हो गया, हमदा फूल हो गया, मसाला हो गया, पेपर लोग काला का पाकिस्तान साहब आए तो बन जाओ खून का पड़ा जो अभी साहब रहे ऐसा थोड़ा जो इतना बीबी को पैसे से लोग मांग रहे हैं भाई बोलते नहीं कहा जब वो बोल रहा है कि ये पेपर आप डाल दो मसाला डाल दो बोलिए बोले बोलिए बोलिए वो बोलने की माइक से लोग आप सुन रहे भाई दोनों गवाह कौन है Yeah.
अगर कोई ऐसे अपराध नसीब रहा हो उनके घरों में जवान लड़कियाँ दिल भी आई बैठी भी हैं, पहला यहाँ तक पुराने बात पढ़ा गया, यहाँ तक दी की बात की गई, पहला यहाँ तक पुराने निकाह पढ़ा गया, पहला इसकी बरकत से तमाम प्यारी 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 बेटियों के निकाह के आसान करवा दीजिए, वालिदैन वालिदैन के शर्म से कोई हल्का करवा दीजिए, उम्र भर की लिफाफा निभाने वाले नौजवान हम उम्र की दर रकम से लड़के चाहते से निकाह करवा दीजिए, बड़ी तरह इस समस्या के पेशे में उम्र में रिश्त में उशा की खैर वरकत से फरमाई पहला इस आदमी मुराद की बरस आवरस मुराने बाद की उनकी बड़ी खिदमत का वास्ता पहला ने जवान की लाज रखिए और यहाँ से बड़ी सी आदमी की लाज रखिए, इनको खुशहाल दी उदार नसीब फरमाइए, पहला आप इनसे राजी हो जाइए, आपकी रिजा भर जिंदगी इनको नमाजी मतलब की परहेजगार बनाइए, जमात से नमाज पढ़ने वाला बनाइए, बड़ी तरह इनको नए सवाल नए औलाद से नवाज दीजिए, न सिर्फ इनको दीन का दाई बनाइए बल्कि इनके होने वाली औलाद को भी दीन का दाई बनाइए, पहला हजर में जिसमें कोई बीमार हो मकरूज हो पहला उनकी बीमारी में शिकायत कामिला आजिला नसीब फरमाइए, इनके खानदानों में कोई बीमार हो उनमें शिकायत कामिला आजिला नसीब फरमाइए, इसी तरह अगर मकरूज हो या ये मकरूज हो पहला इन सब के फर्ज आप अदा करवा दीजिए, आपकी सब के सिवा कोई 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 मतलब सब का इख्तियार नहीं रखता, बस आपकी साथ है जिसे चाहे फायदा पहुँचाए जिसे चाहे नुकसान पहुँचाए, बस आप इन सब के काम आइए, तमाम कमी को बख्श दीजिए, तमाम बीमारों को शिफा दीजिए और जिनको आपने अपनी मेहरबानी से आपकी इनायत से सेहत के साथ रखा है अल्लाह इनको आगे सेहत के साथ रखिए, सेहत के साथ रखिए, हर मुसीबत से हम तमाम की इबादत फरमाइए, अल्लाह आसमान से मुबतला न कीजिए, दवाखानों वाली बदतरीन जिंदगी से हम आपकी बनाना चाहते हैं, हम सबको महफूज रखिए, अल्लाह उन्हें के लिए सादिक कुरान की बेहद पर दुआ है मेरे मौला, अल्लाह इस भाई की खूब मदद कीजिए, खूब मदद कीजिए, अल्लाह इनके खानदान में जो भी भाई हैं इनके जो रिश्तेदार हैं इन लोगों के आपस में मरे जब तक मोहब्बत और उस वक्त रखिए, अल्लाह आप तक रहें कि खानदान में खूब मोहब्बत दीजिए, अल्लाह इनके चर्चे लोग करें अच्छाई में अच्छाई में अच्छाई में, इनकी मोहब्बत के चर्चे इनके खानदानों में हो मेरे मौला, रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।